डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हलकाबंदियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास। कानूनी टीम ने इजलास की शुरका को नई मरदमशुमारी से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का इजलास नई हलकाबंदियों के हवाले से मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में नई हलकाबंदियों से मुतालिक फैसला ना हो सका। कौमी असम्बली की तहलील में एक रोज बाकी। निगरान वज़ीरे आज़म के लिए इत्तेहादी जमातों के सलाह मशवरे। वज़ीरे दाखला राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरान वज़ीरे आज़म के नाम का फैसला आज हो जाएगा। मरदमशुमारी पर सब ने इत्तेफाक कर दिया है। दिसंबर तक हलकाबंदियों का अमल मुकम्मल होना है। फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। वज़ीरे दिफा ख्वाजा आसिफ ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात नवंबर में होंगे। आइन के मुताबिक 90 रोज में इलेक्शन जरूरी है। मरदमशुमारी पर तमाम सूबों में हमांग की है। 9 अगस्त की शाम असेंबली तहलील कर दी जाएगी। तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन चाहे तो 1 से 2 माह की ताखीर कर सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ताखीर नहीं हो सकती। मरदमशुमारी के नतीजे मई में आ चुके थे तो उस पर काम क्यों शुरू नहीं किया? नई हलकाबंदी इलेक्शन में ताखीर की हिकमत अमली हो सकती है। शामी महमूद कुरैशी कहते हैं हुकूमती हलीफ बीएनपी मेंगल ने मरदमशुमारी को मुस्तरद किया। सुप्रीम कोर्ट बार ने इसे अदालत में चैलेंज करने का फैसला किया है। राजा रियाज मनपसंद ऑपोजिशन लीडर हैं, वो एक जान और दो कालिब हैं। निगरान हुकूमत के हवाले से हमसे कोई राबता नहीं किया गया, इसका फैसला लंदन से आएगा। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से जो फैसला आया उस पर बहुत तहफ़ुज़ात हैं। इस फैसले के मुअत्तल होने के इम्कान मौजूद हैं। उम्मीद है फैसले के खिलाफ अपील में इंसाफ मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को अपील को नंबर अलॉट कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तोशाखाना केस वापस ट्रायल कोर्ट में भेजने का फैसला चैलेंज। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने अपील एतराजात लगाकर वापस कर दी थी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लीगल टीम ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात दूर करके अपील दोबारा जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन की पीटीआई को इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर 15 अगस्त तक जवाब जमा कराने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर की जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा मंजूर। दूसरी जानी ममनुआ फंडिंग जब्तगी केस में इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के मजीद जवाब जमा कराने के हक पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि आइंदा समाज से कबल महफूज फैसले पर ऑर्डर जारी करेंगे। पीटीआई रहनुमा इफ्तखार दुरानी की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने पुलिस को इफ्तखार दुरानी की बाजियाबी के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी। इफ्तखार दुरानी के वकील शेर अफजल मरवत का एसपीसीआईए रुखसार मेहदी पर इत्मीनान का इजहार। वकील पुलिस ताहिर काजिम ने कहा कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, पुलिस अपना काम करेगी। सिंध हाई कोर्ट में लापता अशरफ मेंगल समेत दीगर शहरियों की बाजियाबी से मुतलिक दरखास्तों की समाअत। दरखास्त गुजार और वकील गैर हाजिर रहे। जस्टिस नेमतुल्ला ने तफ्तीशी ऑफिसर को झाड़ पिला दी। रिमार्क दिए, पुलिस कुछ नहीं करती, लोग अदालतों से भी मायूस हो चुके हैं। जब कुछ होता ही नहीं तो साइली ने अदालत आना ही छोड़ दिया, वही पुरानी रिपोर्ट उठाकर ले आते हैं। अदालत ने दरखास्त गुजार की अदम हाजिरी से समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अदालत का पुलिस को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इकदाम करने का हो। और साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज की पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह जका अशरफ से मुलाकात। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज नवाज की पेंशन बहाल करने का ऐलान कर दिया। सरफराज नवाज की जानिब से प्लेयर्स वेलफेयर पॉलिसी जाब्ते इखलाक की खिलाफवर्जी के बायस जनवरी 2017 से अदायगी रोक दी गई थी।